आपको मजा आया कि नहीं इवेंट में? बहुत मजा आया। मेरे साथ मजा आया कि नहीं आया? हर वक्त आता है। वर्ल्ड का बेस्ट एंकर कौन है? रोहन जोशी। हाँ, पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द इवेंट। इवेंट बहुत सड़े सड़े प्रॉब्लम आते हैं मेरी लाइफ। दोस्तों टाइम हो गया इवेंट का और मैं लेट हो गया हूँ। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, व्हाट्स गुड, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज है थर्ड ऑफ अक्टूबर 2021। मैं आया हूँ बड़ौदा, और मैं बड़ौदा इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग सा शो है जो अहमदाबाद में होने वाला है, और आज मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। ये शो स्पेशल बहुत सारे रीजंस के लिए है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग के आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कोई कॉर्पोरेट इवेंट फिजिकली हो रहा है। अभी तक जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे थे वो वर्चुअली हो रहे थे, लेकिन अब आज जो हो रहा है वो फिजिकली हो रहा है। अभी मेरी टीम आ रही है मुझे पिकअप करने के लिए, उसके बाद मैं ऐसे जाऊंगा। अभी तक मैंने बहुत सारे लाइव इवेंट्स किए हैं जो वेडिंग्स थे पैंडेमिक में, लेकिन कॉर्पोरेट इवेंट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अब परमिशन मिली है तो अब हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। और एक और चीज़ ये देखिए, गाड़ी के ऊपर मेरे मैंने गाड़ी यहाँ पे आके पार्क करी और इसके ऊपर बंदर ने पता नहीं क्या कर दिया। देखो बंदर के पैरों के निशान है ये। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं मम्मी के फ़ोन पे शूट कर रहा हूँ। मम्मी ने नया आईफोन 11 लिया है और इसका जो वाइड एंगल लेंस है ये मुझे बहुत पसंद है, तो आज का पूरा व्लॉग मैं आईफोन 11 पे शूट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताना कैसा लगा। आज मुझे इस फ़ोन का एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो फिर मैं खुद आईफोन 13 या आईफोन 12 ले लूँगा, जो भी अवेलेबल होगा। तो हम जाने वाले थे रूम पे, लेकिन रूम को थोड़ा सा क्लीन वीन करा रहे हैं, लेकिन मैं और मुनाफ भाई हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज पे, वैसे पास में ही है, 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे रूम पे, तैयार होंगे और उसके बाद शो की तैयारी करेंगे। मुनाफ भाई, हाय। ये है हमारे मुनाफ भाई, ये गुजरात के सारे फ़ोन मार्केट में इनका ये राजा है, समझ लो आप। वीवो के राजा है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इनको स्पेशली गेस्ट भी बुलाया आज, और आज ये हमारे साथ जा रहे हैं। हम इनको बहुत सालों से जानते हैं, हमने साथ में बहुत काम किए हैं और हमारा बहुत ही घर जैसा रिलेशन है इनसे और इनकी पूरी फैमिली के साथ। इनके एक और भाई हैं शिहाब भाई, जिनका इवेंट है ये, इज द इवेंट मैनेजर, और उनको मिलवाऊंगा आपसे। बहुत सड़े सड़े प्रॉब्लम आते हैं मेरी लाइफ में। ये मास्क चश्मे के अंदर फंस गया, ये वही लोग समझ पाएंगे जो चश्मे पहनते हैं। ऑलराइट, सो मैंने पूरा का पूरा बड़ा पिज़्ज़ा खा लिया, और ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि आई डोंट रिमेंबर कि मैंने पूरा मीडियम पिज़्ज़ा कब खाया है। बहुत टेस्टी यार, बहुत ही मज़ा आया। जस्ट रीच द लोकेशन, द शो इज एट लीला गांधीनगर। हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। ही इज़ बेसिकली गोइंग टू ब्रीफ मी के ये शो में क्या होने वाला है। ये शो है वीवो के लिए, वीवो का एक बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च हो रहा है और उसी का लॉन्च इवेंट है ये यहाँ पर। क्लाइंट मीटिंग खत्म हो चुकी है, जो वीवो के, वीवो इंडिया के और पूरे वीवो के जो CEO हैं वो आएंगे, वो अपनी स्पीच देंगे। और वीवो X70 सीरीज़ लॉन्च हो रही है यहाँ पर, इट्स अ प्रीटी बिग इवेंट। मुझे लग रहा था कि काफ़ी मस्ती मज़ा होगी, बट लेकिन शुरू में हम लोग करेंगे थोड़ी मस्ती और उसके बाद वील कम टू द सीरियस पार्ट। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। आई एम गोइंग टू माय रूम टू गेट रेडी। दोस्तों टाइम हो गया इवेंट का और मैं लेट हो गया हूँ खाने पीने में और सब में, तो मैं फटाफट नीचे जा रहा हूँ। दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहना क्या है इस शो के लिए। सो रागिनी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय फोटोग्राफ, थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द इवेंट। इवेंट हो रहा है वीवो का, X70 सीरीज लॉन्च हो रहा है, एंड आई एम ऑल सेट फॉर द कॉर्पोरेट शो। दिस इज द वेन्यू, दिस इज हाउ द वेन्यू लुक्स लाइक, एंड दिस इज द स्टेज। टाइम से जब हमने इवेंट नहीं किया था और आज जब मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ फॉर अ कॉर्पोरेट शो, इट फील्स सरियल। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे साथ बॉयज़ ऑन इवेंट की टीम है, जिनके साथ मैंने पहले भी बहुत बार काम किया है। दो साल पहले मैंने MG का इवेंट किया था, वो भी इनके साथ। और आज ये श्रुति है, ये सोहेल है, और ये भाई साहब देवाशीष है, ये तीनों हमारे साथ हैं यहाँ पे।
और श्रुति को मैंने बोला है कि हमारा जो वीडियो है वो सारे रिकॉर्ड करती रहेगी वो, और सोहेल जो है इन्होंने हमारा एवी प्ले करने वाले हैं यहाँ पर, तो मजा आएगा। आई नहीं मतलब आप आई लव यू हेमा, जितना जोर से हंस सकते हैं हंसना, ठीक है? लाइट्स कैमरा एक्शन। आई लव यू हेम। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन, अब वो इधर ही है वो, अब आपको उनको पछाड़ना है। हेमा का प्यार ज्यादा है कि निराली का प्यार ज्यादा है? आपको बोलना है आई लव यू निराली को। घर पे क्या बोलते हैं आप? निराली बोल, निराली बोलते हैं। आप बोलना है आई लव यू निराली और उसके बाद हंसना है, हेमा नहीं बोलना है। आई लव यू निराली। ये सिंगल है आई लव यू वीवो। अब ऑडियंस डिसाइड करेगी, ठीक है, कि किसकी हंसी लोगों के दिलों तक पहुंची। ओके, कितने लोगों को लगता है कि हेमा ने तो बहुत प्यार दिया और इसलिए बहुत खुश है। मेक सम नॉइस। यही एक टेबल है बस। कितने लोगों को लगता है कि निराली के प्यार ने इनको खुश किया है? मेक सम नॉइस। अभी ये निराली को वीडियो भेज देंगे ना, निराली आएगी नहीं आपके पास। कितने लोगों को लगता है कि वीवो के प्यार और साथ में इनको खुश किया है? मेक सम नॉइस। एंड द शो इज डन। क्या कमाल का शो हुआ था, बहुत मजा आया। आई होप ये सब फोटो सेशन चालू है हमारा। तो ये हर शो के बाद होता है, मतलब जब भी मेरा शो खत्म होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं और फोटोज लेने के लिए आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आई वॉज मिसिंग दिस फ्रॉम सो लॉन्ग एंड फाइनली इट्स अमेजिंग टू बी बैक ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ पीपल, परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल विदाउट मास्क। मुझे ना आप लोग ये भी बताना कि आपको इस फोन की क्वालिटी कैसी लगी। एडिट पे मैं देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जल्दी ये फोन ले लूंगा। सो दोस्तों ये शो खत्म हो चुका है मेरा, ठीक है, आधे घंटे पहले शो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हमारा काम अच्छा लगा शायद, और इसीलिए ये लोग सब हमारे साथ फोटो खिंचाने आ रहे हैं। उसमें से ये जो भाई साहब हैं इनने कम से कम 150 फोटोज ले लिए अभी तक, बट इनका काम हुआ नहीं है। मतलब कौन सा फोन यूज कर रहे हो और क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। फोल्ड थ्री यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके ये फोटो से सेटिस्फाइड नहीं है ना। ये तो इनके लिए हम स्पेशली डब्बू रत्नानी को बुलाएंगे, वो हमारे साथ फोटो खींच के देंगे। मेरे भाई, अरे बाय बाय। उससे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं और ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलती है, तो इवेंट्स में मज़ा भी आता है, बिकॉज आई गेट टू मीट सो मेनी गुड पीपल, सो मेनी फनी पीपल। इवन आफ्टर एन एज ऐसा लगता है कि ये लोग को शायद क्या ही शौक होगा, लेकिन इनको बहुत शौक होता है फोटो खिंचाने का, और इनको एक भी से मन नहीं भरता इनका। इनको चाहिए कि और 10-15 फोटो आ जाए, फिर ये अपनी फैमिली को दिखाते हैं और फिर ये मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड करते हैं। शिहाब भाई इधर इधर आओ, अब मैं आपको शिहाब भाई से मिलवाता हूँ जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और हमको बुलाया था। शिहाब भाई इधर आओ जरा। हाँ वाह, ये है बॉयज़ ऑन इवेंट के करता धरता। गुजरात में सबसे बड़ी इवेंट कंपनी इनकी है और इनका सबसे बड़ा दिल भी है, है कि नहीं? आपको मजा आया कि नहीं इवेंट में? बहुत मजा आया। मेरे साथ मजा आया कि नहीं आया? हर वक्त आता है। वर्ल्ड का बेस्ट एंकर कौन है? रोहन जोशी। हाँ, पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। गाइस क्या मस्त शो हुआ है और खाना क्या खाया है मैंने यार। हालांकि मैंने शाम को 6 बजे ही पिज्ज़ा खाया था, लेकिन अभी मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी टीम जो है इवेंट वाली उसने बोला आप टेस्ट करके देखो। तो मैंने ना इतना अंजीर अखरोट हलवा खाया है एंड आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि ये कितना टेस्टी बना है। सो अब मैं जा रहा हूँ घर, बड़ोड़ा जाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, बट इट वॉज अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून गाइस। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ। बाय, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू वेरी सून।